तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने इंस्टा के ऊपर अपने क्लोज फ्रेंड की लिस्ट में किसी को भी ऐड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने इंस्टा में क्लोज फ्रेंड की लिस्ट में किसी को भी ऐड करने के लिए सबसे पहले तो आप जो अपने इंस्टा को यहाँ से ओपन कर लीजिए। यहाँ जिसको ओपन करने के बाद सिंपली आप जन परचेज पे यहाँ पे और यहाँ पे जाने के बाद सिंपली आपकी प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने ऊपर थ्री लाइंस के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर यहाँ ऑप्शन मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का, तो सिंपली आप इसको क्लिक करके यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपने यहाँ सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है, आपको यहाँ नीचे आके ऑप्शन मिलेगा एक क्लोज फ्रेंड्स का। तो ये देखिए क्लोज फ्रेंड का ये वाला ऑप्शन है, तो सिंपली आपने इसको क्लिक करके यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपने जिस बंदे को अपने क्लोज फ्रेंड की लिस्ट में ऐड करना है उसको सिंपली आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं या फिर ऊपर सर्च के बटन पे क्लिक करके उसको सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे जिसको भी ऐड करना है सिंपली मैं उसके ऊपर इस तरह से टच करूंगा और वो सिंपली उसके आगे टिक लिखा आ जाएगा। और ऐसे करके आप जिस भी बंदे को आपने ऐड करना है उन सबको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने दो तीन बंदे एक साथ मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिए, और जैसे ही आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आप इसके ऊपर डन के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। बस जिसको भी आपने करा होगा वो सारे के सारे जो है आपके क्लोज फ्रेंड की लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। आप चाहें तो क्लोज फ्रेंड पे दोबारा से क्लिक करके इसको ओपन करके आप देख सकते हैं यहां जो तीन बंदे जिनको मैंने सेलेक्ट करा था वो तीनों बंदे यहां पे जो है मेरे क्लोज फ्रेंड की लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। तो कुछ इस तरीके जो है आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी क्लोज फ्रेंड की लिस्ट में किसी को भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।